लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और तृणमूल कांग्रेस की नेता यानी कि महुआ मोइत्रा को ईडी का नोटिस सुर्खियों में। तृणमूल कांग्रेस लीडर महुआ मोइत्रा ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुई। जी हां, 28 मार्च को उनकी पेशी थी, उनको समन भेजा गया लेकिन वो ईडी के पास नहीं पहुंची। जांच एजेंसी ने उनको विदेशी मुद्रा मामले में समन भेजा था। वो ईडी के सामने हाजिर न होकर अपने निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर में चुनाव करने में व्यस्त रही। पूर्व सांसद ने केंद्रीय जांच एजेंसी को अपने फैसले के बारे में बता दिया है और लोकसभा चुनाव पूरा होने तक उन्हें ना बुलाने को कहा है। बता दें कि महुआ को केंद्रीय एजेंसी ने पहले भी दो बार पूछताछ के लिए बुलाया था, हालांकि उन्होंने ऑफिशियल काम का हवाला देते हुए उन दोनों समनों को इग्नोर किया, दोनों समन को ठुकरा सा दिया। बुधवार को जांच एजेंसी ने मोइत्रा और दुबई में रहने वाले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को गुरुवार को पेश होने के लिए समन जारी किया था। कैश फॉर क्वेरी मामले में आरोपों की जांच के बाद दिसंबर में महुआ मोइत्रा को अनैतिक आचरण का आरोपी बताते हुए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत में आरोप लगाया गया कि मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लोगों पर हमला करने के लिए सवाल करने के लिए हीरानंदानी से कैश और गिफ्ट के बदले में संसद में सवाल पूछे। हालांकि मोइत्रा ने किसी भी गलत काम से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अडानी ग्रुप की डील्स के बारे में सवाल उठाए थे। बता दें कि कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के आदेश पर शनिवार को सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में उनके परिसर पर छापा मारा था। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी जानकारी का सावधानी से मूल्यांकन करने के बाद कोई संदेह नहीं रह जाता कि महुआ के खिलाफ लगाए गए आरोप उनके पद को देखते हुए बेहद गंभीर हैं। इस वजह से हमारी राय में सच सामने लाने के लिए सही तरीके से जांच करना जरूरी है, लेकिन पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि महुआ को जब ईडी ने समन भेजा तो महुआ मोइत्रा का कहना है कि वे चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, अपने ऑफिशियल काम में व्यस्त हैं। कृष्णानगर में वे चुनाव प्रचार कर रही हैं और इसके चलते ही गुरुवार को वे ईडी के सामने पेश नहीं हुई। ईडी लगातार उन्हें 3 समन जारी कर चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि ईडी इस मामले में आगे कोई एक्शन लेती है या फिर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा शिकंजे से आसानी से बाहर आ जाए।